सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज अपन प्रश्नावली 4.3 ठीक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर इसके कुछ पहले उदाहरण है उसको अपन समझेंगे। गुणन संक्रिया ठीक है, निकिलम विधि से गुणा करना, जिसके अंदर क्या है चरम अंक तथा निकिलम अंक। ठीक है, चरम अंक क्या होता है और निकिलम अंक क्या होता है। किसी संख्या का चरम अंक उसका इकाई अंक होता है। चरम अंक कौन होता है? इकाई अंक होता है। जो इकाई का अंक होता है वो चरम अंक है, परंतु उसके सभी अंक निकिलम अंक माने जाते हैं। जैसे संख्या 427, तो 427 में चरम अंक कौन है? 7 है, तथा निकिलम अंक कौन है? 4। ठीक है, 2 व 7 है। ठीक है, इसके अंदर चरम अंक तो हो गए 7, पीछे इकाई का अंक, और निकिलम अंक कौन हो गया? 4, 2 और 7। अब है विचलन। ठीक है, विचलन क्या होता है? वैदिक गणित में सामान्यतः 10 अथवा 100 अथवा 10 की किसी घात को संख्या का आधार माना जाता है। यदि संख्या में उक्त आधार घटा दिया जाता है तो संयसफल को अपन क्या कहेंगे? विचलन कहते हैं। ठीक है, 10 या 100 इसके कोई भी घात होती है उसको विचलन कहते हैं। यदि संख्या आधार से बड़ी होती है तो विचलन कैसा होगा? धनात्मक। संख्या अगर बड़ी है तो क्या होगा? धनात्मक होगा, और संख्या अगर छोटी है तो वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। किसी संख्या का परिमित अंक उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक अंक होता है। जैसे संख्या 13 में आधार क्या है? 10 पर 13 - 10 = +3 विचलन है। अगर 10 से ज़्यादा है तो प्लस में आएंगे, और 10 से अगर कम है तो वो विचलन किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। 10 से अगर अधिक है तो वो आएगा प्लस में, अगर 10 से कम है तो वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से अपने को प्रश्न हल करना है। इसके अंदर प्रश्नावली 3.4.3 ठीक है, इसके कुछ प्रश्न हैं उसको अपन हल करेंगे। 10 के आधार पर विचलन लिखिए, 14 का विचलन। पहला प्रश्न क्या है? 14 का विचलन। तो 14 में क्या है? 10, 10 से कितने अधिक है? 4 अधिक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का विचलन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 11 का विचलन, 11 का विचलन, 11 का विचलन क्या हो जाएगा? कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद में 8 का विचलन, तो 8 का विचलन कितना हो जाएगा? 8 का विचलन तो 10 से कितना कम है? 10 से कितना कम है? 2 कम है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 8 का माइनस 2 कम है। ठीक है, माइनस के 2। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 ठीक है, 9 का विचलन। ठीक है, तो 9 का विचलन क्या होगा? कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, तो 9 का विचलन कितना हो जाएगा? -1। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? 13 का विचलन, तो 13 का विचलन क्या है? प्लस के 3 हो गए, 3 अधिक है ना, तो 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 ठीक है, 19 का विचलन, तो 19 का विचलन क्या हो जाएगा? कितने अधिक है? 9 अधिक है, तो 19 का विचलन कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 ठीक है, 7 का विचलन, तो 7 का विचलन क्या होगा? कितने कम है 10 में से? 3 कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे पर -3। इस प्रकार से प्रश्न 8 6 का विचलन, 6 का विचलन तो 10 में से कितने कम है? 6 का विचलन क्या होगा? -4, यानी -4, तो 6 का विचलन क्या हो जाएगा? -4। तो इस प्रकार से अपन इसको सब प्रश्नों का विचलन अपन निकाल सकते हैं। किसके आधार पर? 10 के आधार पर। धन्यवाद।